भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास में ऐसे कई परमवीर हुए जिन्होंने अकेले अपने दम पर युद्ध का रुख मोड़ दिया। अकेले न केवल युद्ध भूमि में दुश्मन के दांत खट्टे किए बल्कि अपनी वीरता का लोहा भी मनवाया। आज हम ऐसे ही एक जाबाज दिलेर परमवीर की शौर्य गाथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो बचपन में गरीबी की आग में फौलाद बना और जिसने अपनी जवानी अपने देश पर कुर्बान कर दी। वो परमवीर जिसे आपने हमने कहानियों में तो छोड़ ही दीजिए, अपनी यादों से ही मिटा दिया। आज हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध के परमवीर कैप्टन मनोज पांडे की। शहीद होने से कुछ सेकंड पहले मनोज के आखिरी शब्द थे, ना छोड़नू, जिसका मतलब होता है उसे छोड़ना मत। मनोज पांडे एक होनहार छात्र, सरल और शांत स्वभाव, चेहरे पर हर वक्त मुस्कान, यही थी परमवीर मनोज पांडे की पहचान। स्कॉलरशिप पर सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाई की, फिर एनडीए की परीक्षा दी जिसमें वो सेलेक्ट हो गए। बारी आई इंटरव्यू की। मनोज से एक अधिकारी ने पूछा कि सेना में क्यों जाना चाहते हो। मनोज पांडे ने तुरंत जवाब दिया, परमवीर चक्र के लिए। वहां बैठे अधिकारी आपस में देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन किसको पता था कि मनोज के मुंह से निकले वो शब्द एक दिन सच हो जाएंगे। कैडेट मनोज पांडे 11 गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन ज्वाइन कर चुके थे, अब वो लेफ्टिनेंट मनोज पांडे बन चुके थे। इस दौरान वो पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन घात लगाकर दुश्मन पर हमला करना, इन सब में महारत हासिल कर चुके थे। बाद में वो कैप्टन बनाए गए और परमवीर कैप्टन मनोज पांडे की बटालियन ने सियाचिन, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, वहां भी 3 महीने का वक्त बिताया था। जिसके बाद कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथियों को उम्मीद थी कि सबको पुणे पीस पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि उनके पहले बटालियन की एडवांस पार्टी पुणे पहुंच चुकी थी। सियाचिन में ड्यूटी के बाद सैनिक मानसिक तौर पर भी थकान महसूस करता है, ऐसे में सभी सैनिकों को एक लंबी छुट्टी दी जाती है। लेकिन कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथी जवानों को अचानक आदेश आया कि बटालियन पुणे की तरफ ना जाके कारगिल की तरफ पहुंच करेगी, क्योंकि वहां पाकिस्तानियों ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ शुरू कर दी है। परमवीर मनोज पांडे ने हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया है और 2 महीने तक चले ऑपरेशन में कुकरथांग, जुबर टॉप जैसी कई अहम चोटियों पर दोबारा कब्जा कर लिया। फिर उन्हें खालोबार चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया। इस पूरे मिशन का नेतृत्व सौंपा गया कर्नल ललित राय को। ये वो चोटी थी जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे आप पाकिस्तान का कम्युनिकेशन हब भी कह सकते हैं। इस चोटी पर कब्जा करने का मतलब था कि दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ देना। कम्युनिकेशन, रसद, हथियार सप्लाई करने, इन सब के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी था। इस चोटी पर कब्जा करने के लिए गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को चुना गया। दिन के उजाले में कर्नल ललित राय ने नेतृत्व में जब ये दोनों कंपनियों ने खालोबार पर चढ़ाई की तो उन्हें भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। रात ही एक ऐसा वक्त था जब दुश्मन पर हमला किया जा सकता था। परमवीर कैप्टन मनोज पांडे चोटी से करीब 600 गज नीचे थे। उन्हें कर्नल ललित राय ने आदेश दिया कि वो अपनी प्लाटून को लेकर जाएं और चोटी पर बने 4 बंकरों को नष्ट कर उन पर कब्जा कर लें। कैप्टन मनोज ने बेझिझक अपने साथियों को लेकर रात के अंधेरे में रेंगते हुए चढ़ाई कर दी। कैप्टन मनोज जब चोटी के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां 4 नहीं बल्कि 6 बंकर हैं, जिनमें हर एक में 2 मशीनगन लगी हुई हैं और कई जवान तैनात हैं। 2 बंकर को उड़ाने के लिए कैप्टन मनोज ने हवलदार दीवान को कहा। हवलदार दीवान ने बड़ी ही बहादुरी से 2 बंकरों को तबाह कर दिया, लेकिन इसी दौरान वो वीरगति को भी प्राप्त हो गए। कैप्टन मनोज और उनके साथियों ने 3 बंकर ध्वस्त कर दिए थे। जैसे ही वो आखिरी बंकर को नष्ट करने जा रहे थे तभी उन्हें कई गोलियां लग गईं और वो बुरी तरह लहूलुहान हो गए। उनके साथियों ने उनसे कहा कि वो बैठे जाएं और आखिरी बंकर को वो लोग ध्वस्त कर देंगे, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये काम मुझे मेरे अधिकारी ने मुझे सौंपा है और मैं ही इसे पूरा करूंगा। वो उसी लहूलुहान अवस्था में रेंगते हुए आखिरी बंकर तक पहुंच गए। जैसे ही वो उस बंकर पर हमला करने के लिए खड़े हुए तभी लगातार 4 गोलियां उनके सिर के आसपास आकर के लगी। गिरते गिरते उनके आखिरी शब्द थे, ना छोड़नू, मतलब उनका था कि इस पोस्ट को मत छोड़ना। लेकिन शहीद होने से पहले कैप्टन मनोज पांडे के हैंड ग्रेनेड ने आखिरी बंकर को भी तबाह कर दिया था। इस अद्वितीय वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन विडंबना देखिए कि आज की तारीख में हम बॉलीवुड के घटिया और 2 कौड़ी के हीरो हीरोइन का जन्मदिन याद रखते हैं, लेकिन हमें अपने परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे और उनके जैसे बहुत सारे वीरों का नाम तक नहीं जानते। उनकी जन्म जयंती याद होना तो भूल ही जाइए। परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे 25 जून 1975 को सीतापुर में जन्मे थे और 3 जुलाई 1999 को कारगिल में शहीद हुए थे। भारत माँ के वीर सपूत परमवीर कैप्टन मनोज पांडे को उनकी जन्म जयंती पर शिवालिक जनरल शत शत नमन करता है। दोस्तों, ये है हमारे असली हीरो। हमें इनकी कहानी को हर नौजवान तक पहुंचाना है, इसलिए वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसी ही और भी वीरता भरी सेना के जाबाजों की असली कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
जय हिंद, जय भारत।